अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो व्यूवर्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ग्रामर क्या चीज़ है और ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ग्रामर। सो व्हाट इज ग्रामर? व्हाट इज ग्रामर? एनी रूल्स and regulation for particular language or particular language is called grammar. It is called grammar. हर ज़बान की एक ख़ास रूल्स और रेगुलेशन होता है पार्टिकुलर लैंग्वेज की, उसे बस ग्रामर कहते हैं सिंपली। अच्छा, अगर हम फिर फर्दर बताएं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंग्लिश की ग्रामर करते हैं, इंग्लिश की ग्रामर, तो इंग्लिश की ग्रामर के लिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए? तो उसके लिए पहले हमने क्या पढ़ना है, एक तो है फॉर्ट ऑफ स्पीच। क्या फॉर्ट्स ऑफ स्पीच? ये इंग्लिश की ग्रामर के लिए हमने मस्ट पढ़ना है, पार्ट ऑफ स्पीच। सेकंड्स, हमने इंग्लिश ग्रामर के लिए टेंसेस पढ़ना है। क्या टेंसेस? थर्ड, इंग्लिश ग्रामर के लिए सबसे जो ज़रूरी है वो है अलेक्ट, और उसके बाद हमने एक्टिव पैसिव वॉइस करना है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, फोर्थ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये भी हमने पढ़ना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिफ्थ, यूजेस, यूजेस ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यूजेस, यूजेस ऑफ फलाना, यूजेस ऑफ फलाना, जिसकी यूजेस हम अगर जान गए तो सब कुछ इंग्लिश में हमें फिर आसानी होगी। यूजेस। फिफ्थ, कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या? कंडीशनल सेंटेंसेस। ओके, फिर ओके, फिर उसके बाद इंग्लिश के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वोकैबुलरी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस वजह से अगर आपकी फॉर्स विकैबलरी नहीं हो किसी ख़ास लैंग्वेज की तो आप कैसे सीखेंगे? तो आपने पहले क्या विकैबलरी इम्प्रूव करना है, डिफरेंस विकैबलरी। हर दिन आपने चार चार वर्ड्स उठाना है और उसको मेमोराइज करना है। मेमोराइज के बाद आपने सेंटेंस में यूज़ करना है, फिर ये आप सेंटेंस
फिर ये आपके दिमाग से नहीं जाएगा, फिर आपने क्या करना है, यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल से गो एक हमारे पास एक वर्ब है, लफ्ज़ है, ओके। ये मैं इस्तेमाल करता हूँ जुमले में, आई गो टू स्कूल। ये गो का मीनिंग मुझे आ रहा था तो इस वजह से मैंने सेंटेंस लिख लिया, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। तो इस तरह जब आपके साथ वोकैबुलरी हो तो इंशाल्लाह फिर आपको दिन ब दिन आपकी इम्प्रूवमेंट इंग्लिश में होगी। और इंग्लिश के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है वोकैबुलरी। जब आपके साथ अच्छी वोकैबुलरी हो तो आप स्किलफुल हो फिर, ओके। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, वोकैबुलरी। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर इंग्लिश हम कोई अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते तो ये चीज़ें हमने पढ़नी होंगी। इंशाल्लाह कल ये जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ओके। तो इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के लिए इंशाल्लाह जो आपको आप जो के लिए हम इंशाल्लाह भरपूर मेहनत के साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो पेश करेंगे। थैंक यू सो मच।